बड़ी खबर का, जहां बीजेपी की दो दिवसीय बैठकों का दौर खत्म हो गया है। 20 सदस्यीय और एक 32 सदस्यीय चुनाव कमेटी का गठन किया गया है, अलग अलग पद पर विधानसभा चुनाव में काम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की बैठकों का दौर खत्म हो गया है, वहीं 20 सदस्यीय और एक 32 सदस्यीय चुनाव कमेटी का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर, बीजेपी की दो दिवसीय बैठकों का दौर खत्म हो गया है। बीजेपी की दो दिवसीय बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो गई है, और इस दौरान एक 20 सदस्यीय और एक 32 सदस्यीय चुनाव कमेटी गठित की गई है। तो बीजेपी की दो दिवसीय बैठकों का दौर खत्म हो गया है, 20 सदस्यीय और 32 सदस्यीय चुनाव कमेटी गठित की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर जारी था जो अब खत्म हो चुका है, इस दौरान बैठक में 20 सदस्यीय और एक 32 सदस्यीय चुनाव कमेटी का गठन किया गया है। जी प्रगति, बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरा मैराथन जो बैठकों का दौर आज खत्म हुआ है, और कल जो बैठकें थी कल से शुरू हुई थी और आज अभी तक जो बैठकें अभी चल रही है, और अभी जो पार्टी के सिक्स नेता है वो अभी भी मंथन कर रहे हैं। लेकिन बात जो चुनाव विधानसभा को लेकर है, जो बड़ी घोषणा आज जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन भगवती ने प्रेस वार्ता कर जो चुनाव समितियां गठित की है, जिसमें एक सदस्यीय कमेटी है और दूसरे जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद, जिसमें जो कमेटी में है उनकी जो चुनाव के दौरान ड्यूटियां लगाई जाएंगी, अलग अलग जो इनका कार्यभार पदाधिकारी पद है, इनकी अलग अलग जो समिति है उनके तहत वो चुनाव में काम करेंगे। फिलहाल मनोहर गुरोली का यही कहना था कि चुनाव का जो समितियां का गठन किया जिसमें 20 सदस्य है और एक 32 सदस्यीय चुनाव समिति है, उनको पद जो भार है वो दिया जाएगा। उसके बाद ये है, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार तीसरी बार भी जो जनता के बीच जाएंगे और जो जनता से फीडबैक लेंगे और जो कौन से उम्मीदवार ज्यादा प्रभावशाली है उसको टिकट दिया जाएगा। तमाम इन चर्चाओं को लेकर आज बड़ा मंथन यहाँ पर हुआ। तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, और अभी कह सकते हैं कि जो चुनाव के लिए जो बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरह से अलग अलग पद पर काम करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए, चूंकि विधानसभा चुनाव में भी अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, ऐसे में जो बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की जा रही है, आगे की रणनीति तय करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जो विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही कह सकते हैं महीने बचे, क्योंकि सितंबर में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और अक्टूबर में जो चुनाव होने हैं उसके लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार कर रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार 10 साल से हरियाणा में सरकार चला रही है। अभी जिस तरह से घोषणाएं जो सरकार की तरफ से की जा रही है जनहित में, उनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और साथ साथ जो कांग्रेस के सिरे सिरे कह सकते हैं कि मुकाबला की बार बीजेपी का होगा, और कांग्रेस दावा भी करती है कि इस बार जो है जनता उन्हें मौका देगी, लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस के को कैसे घेरना है और किस तरह की रणनीति, चुनाव पूर्ण का पूरी यहाँ पर जो मंथन किया है, चुनाव की ड्यूटियां लगाई गई है और जो 90 के 90 जो विस्तारक है आपको बताएंगे, जानकारी देना चाहता हूँ। एक और जो 90 के 90 विधानसभा है उनमें 90 के 90 जो विस्तारकों की बैठक हुई थी, जो हिमाचल, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड से जो लोग आए थे बीजेपी के, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और हर विधानसभा में जो विस्तारक है वो फीडबैक लेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।